हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। भूषण दिस साइड सिर्फ जब आई व्लॉगर बाय चॉइस एंड यस अ वीडियो एडिटर बाय पैशन। अब तक आपने मुझे एक अलग सेटअप में देखा था, अभी ये मैंने मतलब कुछ चेंजेस किए ताकि यार आपको भी बोर ना हो कि बार बार वहीं पे बैठा है, वहीं पे वो जो कुछ कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, बाकी कंटेंट वही रहेगा। ठीक है, सो यस, एंड आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप जो है यूट्यूब वीडियोज़ को चेंज कर सकते हो IGTV वीडियोस में एंड फेसबुक वीडियोस में। ठीक है, सो चलते हैं सीधे लैपटॉप स्क्रीन पर जहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें इन डेप्थ बताऊंगा। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आपके कंटेंट को डाइवर्सिफाई करना है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, राइट। सो यस, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यस डू प्रेस दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, सो चलते हैं सीधे लैपटॉप स्क्रीन पर जहाँ पे मैं आपको चीज़ें इन डेप्थ में बता रहा हूँ। लेट्स गो। हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। जैसे आप देख सकते हो, मैंने कुछ फाइल्स यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है हमेशा की तरह आपको बताने के लिए कि ये आप कैसे करोगे। ठीक है, सो आज हम जैसे जानेंगे कि कैसे हम जो है यूट्यूब वीडियोस को कन्वर्ट करेंगे IGTV वीडियोस या फिर फेसबुक वीडियोस में। ठीक है, सो सबसे पहले जो है आपको जो ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये है यूट्यूब का फॉर्मेट जो कि है 1920x1080 या फिर अगर 720 पिक्सल्स है तो 1280x720 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये होता है यूट्यूब का फॉर्मेट। बट IGTV का जो फॉर्मेट होता है ये होता है इससे 90 डिग्री, मतलब अगर ये फोटोशॉप 90 डिग्री घुमा दो तो हो जाता है IGTV, दैट इज 1080x1920। सो ये है IGTV वीडियो। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है अगर एडिटिंग में उसको चेंज करना चाहते हो 90 डिग्री तो ऑप्शन है हमारे पास। वो कैसे, अगर ये फुटेज जो है समझो इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो रोटेशन का ऑप्शन है। ठीक है, रोटेशन का ऑप्शन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे 90 डालूंगा, आप देख सकते हो मेरी वीडियो 90 डिग्री तो हो गई। सही है, हो गई। बट सीन है कि यार अभी जो यूज़र होगा उसको ये इतनी ही स्क्रीन दिखेगी जितनी कि मुझे ये दिख रही है, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए कि हमारा वीडियो जो है वो वर्टिकल फॉर्मेट में हो बट हमारी वीडियो सीधी ही हो। ठीक है, तो अभी ये हमारा जो सीक्वेंस है यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट किया है ये तो है 1920x1080, राइट। तो आप यहाँ पे नहीं बना सकते IGTV वीडियो, उसके लिए आपको एक नया सीक्वेंस ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, नया सीक्वेंस कैसे बनाते हैं आपको पता है, यहाँ पे एक न्यू बिन में आपको क्लिक करना है, न्यू आइटम पे एंड सीक्वेंस पिक सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे सेटिंग्स में आके एडिटिंग मोड को रखना है कस्टम। ठीक है, एंड नीचे फ्रेम साइज में हमको सिलेक्ट करना है 1080x1920। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये, अब सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो है इसको स्क्वायर पिक्सल करना मत भूलिए, वरना पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही आप चेंज करते हो आपको बस यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, एंड आपका एक न्यू सीक्वेंस बन जाएगा विद वर्टिकल फॉर्मेट। अभी सिंपली वही क्लिक जो है आप अगर यहाँ पे ट्रैक करते हो, ठीक है, यहाँ पे पूछेगा कि आपको जो है जो एग्जिस्टिंग क्लिप है वो तो यूट्यूब फॉर्मेट में है, आप इसको डाल रहे हो दूसरे सीक्वेंस में जो कि जिसकी एस्पेक्ट रेशियो अलग है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो है 90 डिग्री पे, तो वो पूछेगा कि आपको जो है सीक्वेंस सेटिंग्स वही रखनी है चेंज करनी, तो आपको रखना है वही कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग। तो आप देख सकते हो वीडियो हमारी सीधी आई एंड जो पूरा जो बैकग्राउंड है हमारा वो वर्टिकल फॉर्मेट में, जो पूरी वीडियो है वो वर्टिकल फॉर्मेट में। सिंपली बस उसको अभी आपको छोटा करना है यहाँ पे स्केल पे आके, इसे आप सिलेक्ट करोगे, स्केल से आप जब छोटा करोगे सो ये वीडियो यहाँ पे फिट आ जाएगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑडियो नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ वीडियो पार्ट यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हो कैसे दिख रहा है अभी ये, तो IGTV पे ये ऐसे दिखेगा। बट समझो कि आपको ये अभी कैसे, मेरे ट्यूटोरियल्स थोड़े बड़े होते हैं, मैं इन डेप्थ समझाता हूँ। तो अगर आपको ये IGTV पे आप डालोगे एंड ये अगर सॉफ्टवेयर आप कोई समझा रहे हो लोगों को तो उनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं, राइट। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर मैं क्लिप को बड़ा कर दूँ, यहाँ पे तो नहीं दिखेगा,
ठीक है, अगर आप जो है एक सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन कर रहे हो लोगों को, एग्जांपल में बताता हूँ आपको कि ये मैं यहाँ से एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ बताने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड वैसे वीडियो देख रहा हूँ, तो आप देख सकते हो अगर मैं इसको छोटा करूँ स्केल डाउन करके, एंड अगर ये बंदा कोई मोबाइल पे देखे तो उसको कुछ भी नहीं समझने वाला, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो ये इतना सा छोटे छोटे सारी चीजें हैं वो तो उसको दिखेंगी ही नहीं, अगर मैं इसको 50% जूम करता हूँ तो भी वो किसी को समझेगा नहीं कि इसमें क्या लिखा है। तो आपको जो है इसको, अगर आप एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर के कर रहे हो सिखा रहे हो, आप सीधे इसको 90 डिग्री रोटेट कर सकते हो। रोटेट कैसे करना है, क्लिप को सिलेक्ट करके रोटेशन को आप 90 डिग्री यहाँ पे लगा सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे 90 भी टाइप कर सकते हो, तो ये 90 डिग्री हो गया। अभी इसको आप कर लो स्केल, तो अगर ये बंदा दिखेगा तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसको दिखेगा ही दिखेगा, बट ये ऑफकोर्स प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि उसको ये समझे जो कि पहले वो नहीं समझ पा सकता था। ठीक है, सो ये आप कर सकते हो, एल्स ऐसे भी आप रख सकते हो क्लिप को, इट इज टोटली ऑन यू। ठीक है, तो ये हो गया IGTV फॉर्मेट। ठीक है, अगर आपको फेसबुक फॉर्मेट करना है तो फेसबुक में ऑफकोर्स सेम है, आपको चीजें करनी है, आपको बस सीक्वेंस यहाँ पे चेंज करना है फेसबुक के हिसाब से। मैं फेसबुक का भी ये बता देता हूँ, फेसबुक आप अलग अलग टाइप के वहाँ पे वीडियोस भी डाल सकते हो, आप यूट्यूब के वीडियोस भी वहाँ पे डाल सकते हो जो फॉर्मेट है 1920x1080, एल्स आप जो है 1:1 रेशियो के भी वीडियोस वहाँ पे डाल सकते हो। कैसे, आप जो कर सकते हो सिंपली आपको सीक्वेंस में जाना है, यहाँ पे आके आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कस्टम, एंड यहाँ पे आपको जो है 1080x1080 ही रख के स्क्वायर पेंसिल सिलेक्ट कर लेना है, एंड ओके। तो ये न्यू सेटिंग्स बन गई, आपको बस वो वीडियो को यहाँ पे ट्रैक करना है, एंड जो है आपका फेसबुक के लिए वो बन गया। ठीक है, मैं तो बोलूँगा स्क्वायर की बजाय आप जितना ज़्यादा ये करोगे उसको यूट्यूब के इसमें भी डालोगे तो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और एक चीज़ कि अगर आप फेसबुक एड्स के लिए वीडियो बना रहे हो तो यस आप यही यूज़ कीजिए 1080 वाला, तो आपको जो है ज़्यादा ये बेनिफिशियल पड़ेगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, यस ये ऐसे देखेगा, राइट। तो ये हो गया फेसबुक के लिए, देन ये सीक्वेंस हो गया IGTV के लिए। इसी तरह से आप भी वीडियोस बनाइए, ठीक है, यहाँ पे आप फिर ऊपर टेक्स्ट डाल सकते हो। ठीक है, ये कैसे ब्रांडिंग वीडियोस बनाने हैं इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सो यस ये था पूरा हमारा ट्यूटोरियल जहाँ पे आप कैसे IGTV के लिए वीडियोस बना सकते हो सिंपली। अभी और एक चीज जो है यहाँ पे आप कर सकते हो कि ये जो बैकग्राउंड है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, अभी अगर इसको आप रेंडर करोगे, रेंडर कैसे करना है आपको बताया गया है पहले, तो अगर आप इसको रेंडर करोगे तो जो है आपका ये जो पार्ट जो ट्रांसपेरेंट है वो आएगा ब्लैक में। तो अगर आपको इसको कोई और कलर में करना है तो वो भी आप कर सकते हो, तो कलर मैट लगाना पड़ेगा। तो कैसे कलर मैट लगाते हैं, कि ये यहाँ पे आए हम वापस न्यू आइटम में, फिर कलर मैट, फिर ओके कर देंगे, एंड आपको समझो कोई भी एक रेड कलर का यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे रेड मैंने ओके कर दिया एंड ये बन गया। मेरे को इसको जो है वीडियो के नीचे लगाना है एंड इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, तो आप देख सकते हो कि कलर मैट यहाँ पे लग चुका है एंड हमारा वीडियो वहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसको कलर चेंज करना है, इसको डबल क्लिक करके आप जो चाहिए वो कलर यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, ये होने के बाद सीधा आप इसको रेंडर करोगे, जैसे मैंने बताया रेंडर के लिए फाइल एंड एक्सपोर्ट मीडिया, यहाँ पे आपको पूछेगा रेंडर सेटिंग्स, आपको बस यहाँ पे जो है रेंडर कर देना है। ठीक है, वापस यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ टेस्ट 2, एंड यस सेव, एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट। ठीक है, ये कुछ टाइम ले लेगा रेंडर होने तक, तो रेंडर होने के बाद कैसे होता है मैं वो बताता हूँ आपको। सो गाइस रेंडर होने के बाद ये देखो कुछ इस तरह से ये दिखेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। तो अभी इसको आप IGTV पे अपलोड करो या कहीं पे भी अपलोड करो, इट्स ऑन यू। ठीक है, सो यस। सो गाइज होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझा होगा, राइट, सब कुछ ठीक है। क्योंकि कैसा है कि आप अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे सब डाल रहे हो, राइट, वीडियोस डाल रहे हो, तो ठीक है आपका वो प्लेटफॉर्म ग्रो हो रहा है, बट यस आपको अगर एक ब्रांड बनाना है तो आपको सारे प्लेटफॉर्म्स में साथ में ग्रो करना है। तो इसीलिए जो आप वीडियो यूट्यूब पे बना रहे हो,
तो उसी को कॉम्प्रेस करके जो है IGTV पर डालो। अगर मेरे आप IGTV चेक करोगे जो कि यहाँ पे है, सो आपको समझ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो वहाँ पे अभी मेरे वीडियोस चेकआउट कीजिए। और एक मेरी प्लेलिस्ट है पूरी, जहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग आपको सिखा रहा हूँ, सो वो प्लेलिस्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे आई कार्ड पे मिल जाएगी, तो जरूर चेक दैट आउट टू। सो यस, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड एज ऑलवेज कीप क्रिएटिंग।